टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे में T20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली की टोली वनडे सीरीज में 2-1 से शर्मनाक तरीके से हार गई। इस हार के बाद कप्तान कोहली के फैसलों की भी आलोचना शुरू हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर तीसरे वनडे में KL राहुल को टीम में जगह ना देना था। राहुल T20 सीरीज में बढ़िया फॉर्म में खेले थे और उन्होंने एक शतक भी लगाया था। दूसरे वनडे में ही नाकाम होने की सजा मिली और तीसरे वनडे में उन्हें अंतिम 11 में नहीं चुना गया। विराट के इस फैसले की भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज VVS लक्ष्मण ने भी तीखी आलोचना की है। लक्ष्मण का कहना है कि ये इस युवा खिलाड़ी के साथ उचित व्यवहार नहीं है। लक्ष्मण का कहना था कि यदि बदलाव चोट की वजह से नहीं है तो उन्हें वाकई निराशा हुई, क्योंकि ऐसा राहुल के साथ पहली बार नहीं हुआ। वह केवल एक ही पारी में नाकाम हुए थे। पहले मैच में वह नाबाद रहे थे जब टीम इंडिया ने पहले वनडे में जीत हासिल की थी।